नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही अलग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे TDS के बारे में। क्या आपने पहले कभी TDS का नाम सुना है? TDS की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि TDS क्या है। जब कोई रुपयों का भुगतान करता है, जैसे किराया, फीस, वेतन, ब्याज आदि, तब उस भुगतान में से कुछ प्रतिशत राशि कर के तौर पर कटनी होती है। उस कटी हुई राशि को TDS कहा जाता है। असल में जो रिसीवर होता है, उसे अपनी कमाई में से इनकम टैक्स यानी कि आयकर भरना होता है और स्रोत पर कटी कटौती। यह प्रावधान निश्चित करता है कि यह भुगतान के दौर ही काट लिया जाएगा और जो रिसीवर होता है उसको वही राशि मिलती है जिसमें से TDS कट चुका हो। इसलिए स्रोत पर कर कटौती कहा गया है। वह कर जो आवक के स्रोत से ही कट जाए, कर का श्रेय रिसीवर को ही मिलता है। अब जानते हैं कि TDS का फुल फॉर्म क्या होता है। TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जिसे हिंदी में स्रोत पर कर कटौती कहते हैं। आइए अब जानते हैं TDS की पूरी जानकारी। आसान भाषा में कहे तो TDS का अर्थ, जब आप हर महीने अपना वेतन पाते हैं तो उसमें से कुछ प्रतिशत रकम पहले ही कट जाती है। वह कटी हुई रकम कर के रूप में सरकार तक पहुँचती है और उस रकम को ही TDS कहते हैं। कर जो आपकी आवक के स्रोत से ही कट जाता है और उस कर का रिकॉर्ड आपके नाम पर होता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत जिन भुगतानों का उल्लेख है, उन सब में TDS कटता है। आपका नियोजक आयकर विभाग के स्लैब रेट्स के हिसाब से TDS कटता है। बैंक 10% तक TDS काटती है और पैन कार्ड डिटेल्स न होने पर 20%। आयकर विभाग ने एक सीमा तय की है कि अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य कर सीमा से कम है तो उस व्यक्ति को कर नहीं भरना होगा। जो कर स्रोत पर कटता है वो उस महीने के 7वें दिन तक सरकार को जमा हो जाना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड TDS को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियंत्रित करता है। दोस्तों, हर चीजों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं TDS के फायदे के बारे में। पहला, सरकार तक धन पहुंचाता है। दूसरा, TDS भरने से कर की चोरी रुकने में मदद होती है। और तीसरा, कर स्रोत से ही कट जाता है जिससे किसी भी प्रकार के धोखे की संभावना नहीं रहती है। अब आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। TDS तब नहीं कटता जब भुगतान कोई सरकारी विभाग को किया जाता है। TDS सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र है जो स्रोत यानी कि जो TDS काटता है उसके द्वारा दिया जाता है, जिसमें कितना TDS काटा गया और जमा किया गया उसका उल्लेख होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपना बैंक बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, तो हमने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और अपने मोबाइल से ही अपने बैंक का बैलेंस और अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।